नमस्ते डॉक्टर, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। चलो अपन चालू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है अपन पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 अर्थ फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अपन चालू करते हैं, ग्रास ऑफर। क्लियर है? चलो ग्रास ऑफर जो है, ग्रास ऑफर के नेम की बात अपन करते हैं तो नाम होता है इसका हेलोग्लाइकस बेनियम। इसके अलावा दूसरी जो स्पीसीज है इसके अंदर, इसे अपन कहते हैं हीरोग्लाइपस नेग्रो रिप्लेटस। ये दूसरी स्पीसीज है इसका। अपन ग्रास ऊपर जो है, इस ग्रास ऊपर के स्ट्रक्चर की बात अपन करते हैं। देखो ग्रास ऊपर की बात अपन करते हैं तो ग्रास ऊपर जो है, इसके माउथ पार्ट जो होते हैं, ये माउथ पार्ट बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और माउथ पार्ट्स में अपन डिटेल पढ़ेंगे आगे, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए होते हैं, उन पार्ट्स के कारण से ये माउथ पार्ट जो होते हैं वो बाइटिंग और च्युइंग का काम करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रोब्स जो होती है उस प्रोब्स के लिए ये बहुत नुकसानदायक होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके बाहर आउटर स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। तो अपन ये कहें कि आउटर स्केलेटन जो है, आउटर स्केलेटन इसका बना हुआ होता है काइटिन का। आउटर स्केलेटन की बात करते हैं, आउटर कवरिंग की बात करते हैं तो काइटिन की कवरिंग पाई जाती है। अपन बॉडी की बात करते हैं इसके अंदर, इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट अपन ये कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हेड पार्ट। दूसरे की बात हम करते हैं तो इसका थोरेक्स, और थर्ड की बात हम करते हैं तो थर्ड इसका एब्डोमन, थर्ड पार्ट इसका एब्डोमन। तो इस तरीके से बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन। हेड की बात करते हैं, ये पोर्शन रहेगा इसका हेड। हेड वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर एक पेयर, वन पेयर जो है वो होती है एंटीना, वन पेयर होता है कंपाउंड आई, और इस ये जो पेयर है इन दोनों पेयर के बीच में, इन दोनों पेयर के बीच में छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाता है ओसिलाई। तो वास्तव में ये भी आई के जैसी ही होती है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको अपन कहते हैं ओसिलाई। ये ओसिलाई जो होती है इसकी काउंटिंग अगर हम नंबरिंग की बात करें भाई कितनी होती है, तो ये तीन तक हो सकती है, थ्री। ठीक है? हेड पोर्शन में अपन ने कहा कि एक तो हो गया इसके अंदर एंटीना, और एक एक जोड़ी हो गई, वन पेयर जो हो गया वो कंपाउंड आई हो गया, और तीन तक काउंटिंग में तीन तक जो है वो है ओसिलाई। माउथ पार्ट में बता चुका हूँ, माउथ पार्ट जो होते हैं उसके हार्ड होते हैं और बाइटिंग और च्युइंग टाइप के होते हैं। चलो फिर हम बात करते हैं इसके अंदर थोरेक्स पोर्शन की। थोरेक्स जो है उसके अंदर प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तीन पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और तीसरा पार्ट जो अपने पढ़ा वो उसका एब्डोमन। एब्डोमन पार्ट जो होते हैं इसके अंदर 11 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमन पार्ट जो होता है इसके अंदर 11 सेगमेंट होते हैं। थोरेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर होते हैं 3 सेगमेंट्स। अपन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो अपन सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर हेड पोर्शन। हेड जो है, इस हेड पे वन पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट। अब एंटीना जो होता है वो क्या काम करता है? तो देखो एंटीना जो है वो इसके अंदर सेंसरी पार्ट होता है, इसके लिए सेंसरी पार्ट है। अब सेंसरी पार्ट में क्या क्या रोल प्ले करता है ये? तो देखो ये ऑडिटरी सेंसरी के रूप में होता है, ऑडिटरी के रूप में काम करता है, ये ऑल्फैक्टरी के रूप में काम करता है। क्लियर है? ऑल्फैक्टरी के रूप में, ऑडिटरी के रूप में, और इसका जो पाथ होता है उसे पाथ के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम करता है, ये पाथ के आइडेंटिफिकेशन में भी काम करता है। तो एंटीना जो होता है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसरी पार्ट है इसका, जो कि इसके लिए सूंघने का काम करता है, स्वाद का काम करता है, ऑडिटरी है, ऑल्फैक्टरी है, ठीक है, सुनने का काम करता है, और इसका जो रास्ता होता है, पाथ होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन में भी काम करता है। क्लियर है? ये तो पोर्शन हो गया अपने एंटीना का। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कंपाउंड आई की। कंपाउंड आई जो होती है वो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है, और कंपाउंड आई की जैसे अपन कॉर्पस में बात करते हैं तो कंपाउंड आई जो है इसकी जो यूनिट होती है, स्पाइस यूनिट होती है, उसको अपन एक क्या नाम दिया था, अपन नाम दिया था ओमिटिडिया। तो ये ओमिटिडिया जो होती है वो यहाँ पर भी होती है। ये है ओमिटिडिया, यहाँ पर भी होती है। अगर अपन इसके अंदर इमेज की बात करते हैं तो कौन सी इमेज बनती है कंपाउंड आई के द्वारा? तो इसके द्वारा बनती है मोज़ेक इमेज।
इसके द्वारा मोज़ेक इमेज बनती है। अभी जो कंपाउंड आई है इसके बीच में दोनों तरफ जो कंपाउंड आई है उसके बीच में तीन ओसिलाई प्रेजेंट होती है, ये भी एक छोटे नेत्र के रूप में काम करती है, आई के रूप में काम करती है। चलो ये तो पोर्शन हो गया इसके अंदर हेड का, बाउल पार्ट जो है इसका पॉइंट अपने अलग से है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं थोरेक्स पार्ट की। थोरेक्स जो है इस थोरेक्स में तीन पार्ट हो गए, थोरेक्स की अपन चर्चा करते हैं। थोरेक्स पार्ट जो है इसके अंदर तीन पोर्शन हो गए, तीन पोर्शन कौन कौन से हो गए, तो देखो थोरेक्स में अपन ने कहा प्रोथोरेक्स हो गया, प्रोथोरेक्स हो गया, दूसरा मीजोथोरेक्स हो गया, मीजोथोरेक्स हो गया, और तीसरा मेटाथोरेक्स हो गया। ये तीन पार्ट जो है ये तीन पार्ट इसके अंदर होंगे, तीन सेगमेंट हो गए, ठीक है, तीन सेगमेंट है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो है इन तीनों में, इन तीनों में एक एक पैर लेग पाई जाती है। तो अपन इसी तरह से कहा कि यहां पर कितने पैर लेग हो गए, थ्री पैर लेग्स हो गए, थ्री पैर लेग्स, ठीक है, तीन पैर लेग्स होते हैं। अब अगर लेग की बात हम करते हैं, अगर अपन इसके अंदर लेग की बात करते हैं, अपेंडिजेस की बात करते हैं, और अपेंडिजेस जो होते हैं इसके अंदर से दो पैर जो होते हैं कौन कौन से, प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स में जो अपेंडिजेस पाए जाते हैं, प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स में जो अपेंडिजेस पाए जाते हैं, ये जो अपेंडिजेस हैं वो इसके अंदर वॉकिंग लेग्स होती है, केवल इसके अंदर चलने के काम आती है, वॉकिंग लेग्स होती है। इसके अलावा जो लास्ट थोरेक्स सेगमेंट है इसका मेटाथोरेक्स, इस मेटाथोरेक्स में ये जो लेग होती है ये लेग बाकी लेग की बजाय काफी लंबी होती है, लंबी होने के साथ साथ ये जो होती है ये किसके काम आती है, तो ये जंपिंग टाइप होती है, ये जो लेग होती है हाइंड लेग, तो इसके अंदर ये जंपिंग लेग होती है, जंपिंग टाइप होती है। जंप करने के लिए जो लेग काम आती है इसके अंदर वो इसकी हाइंड लेग काम आती है। अब अपन लेग की बात करते हैं कि लेग जो है हाइंड लेग मेन सबसे ज्यादा पार्ट जो होते हैं वो अपन कहें कि सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन अपन हाइंड लेग भी कर सकते हैं। ये हाइंड लेग जो है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो देखो हाइंड लेग की बात हम करते हैं, लेग में फर्स्ट पोर्शन जो कि इसके बॉडी से अटैच होता है, बॉडी से अटैच होता है उसको बोला जाता है कोक्सा, बॉडी से अटैच वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कोक्सा। दूसरा पोर्शन जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो होता है ट्रोकेंटोन, दूसरा जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है ट्रोकेंटोन। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तीसरा कौन सा, ये तीसरा वाला जो पार्ट देखो, ये कोक्सा वाला, ये ट्रोकेंटोन और ये तीसरा वाला पार्ट, ये तीसरा कौन सा होता है, तो ये तीसरा पार्ट जो होता है ये होता है इसके अंदर फीमर। फोर्थ कौन सा, तो फोर्थ की बात हम करते हैं तो ये होता है टीबिया। और फिफ्थ की बात हम करते हैं तो फिफ्थ पोर्शन हो गया इसके अंदर टार्सस। ये पांच पार्ट होते हैं, फाइव पार्ट लेग्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है सबसे जो बेस से जुड़ा हुआ होता है ये कोक्सा है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ट्रोकेंटोन होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है वो फीमर होता है, सबसे लॉन्ग पार्ट जो होता है वो टीबिया होता है, और फिर सबसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड जो पार्ट होता है लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है टार्सस। ये जो टार्सस होता है ये टार्सस फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, टार्सस जो होता है इसके तीन पार्ट फिर से होते हैं, मतलब इस तरीके से ये टार्सस है, ये टार्सस में ये तीन पार्ट होते हैं इस तरीके से, ये टार्सस, ये जो टार्सस है इस टार्सोमियर, ये जो टार्सस है इस टार्सस के पार्ट जो होते हैं इसको टार्सोमियर्स कहा जाता है। ये टार्सोमियर जो है ये अपन क्या कह सकते हैं इसको, प्रोटार्सस, मीजोटार्सस या मेटाटार्सस, इस तरीके से अपन तीन पार्ट कह सकते हैं। तो अगर अपन टाइप्स की बात करते हैं, पैर के सेगमेंट्स में टाइप्स की बात करते हैं तो ये पांच टाइप्स हैं, और अगर टोटल पार्ट्स की बात करते हैं तो टोटल पार्ट्स होते हैं वो सेवन पार्ट्स होते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये सेवन टोटल पार्ट्स होते हैं, फाइव टाइप्स होते हैं। तो ये इसके अंदर लेग्स का पोर्शन हुआ। अब इसी में थोरेक्स तो पोर्शन होता है, इस थोरेक्स पोर्शन में अब अपन बात करते हैं विंग्स की। थोरेक्स में लेग तो होते ही होते हैं, इस लेग के साथ में क्या पाया जाता है, लेग के साथ में विंग पाए जाते हैं, तो अपन बात करते हैं विंग्स। विंग्स की बात अपन करते हैं तो कॉकरोच के जैसे ही एज कॉकरोच यहां पर भी क्या पाए जाते हैं, टू पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट, टू पेयर होते हैं। कहां कहां होते हैं, तो ये टू पेयर जो होता है इसमें से फर्स्ट पेयर जो होता है वो कहां होता है, मीजोथोरेक्स में होता है, और सेकेंड जो पेयर होता है वो कहां होता है, तो ये मेटाथोरेक्स में होता है।
थोरैक्स पोर्शन में तीन पैर तो हो गए लेग्स के, और टू पैर जो होते हैं वो विंग्स के पाए जाते हैं। ये विंग्स जो होती है वो कहाँ होती है, तो पहली जो विंग होती है वो तो होती है मीजोथोरैक्स, दूसरी जो विंग होती है वो होती है मेटाथोरैक्स में। तो इस तरीके से दो पैर पाए जाते हैं। इसमें से जो मीजोथोरैक्स वाली पाई जाती है ये लार्ज होती है और ये केवल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में काम करती है, जबकि जो मेटाथोरैक्स पे पाई जाती है ये वास्तव में इसके अंदर उड़ने में काम करती है। ठीक है, चलो ये अपने थोरैक्स का पोर्शन हो गया इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन पोर्शन की बात करते हैं तो देखो एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन डायग्राम में अपने वो देखते हैं तो ये अपने लिया एब्डोमेन का पोर्शन, एब्डोमेन थर्ड पोर्शन। यहां पर अगर देखते हैं तो बाकी बॉडी से पॉइंटेड पार्ट है, सेगमेंट होते हैं इसके अंदर 11 सेगमेंट। एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होते हैं। 11 सेगमेंट जो है अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में आते नहीं है। रीजन क्या होता है कि 9th और 10th सेगमेंट जो होते हैं ये जॉइंट हो जाते हैं, 9th और 10th सेगमेंट जो होते हैं ये जॉइंट हो जाते हैं। तो 11 है, ठीक है, 11 सेगमेंट होते हैं पर 9th और 10th सेगमेंट जो होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं, इसकी वजह से काउंटिंग में 11 आते नहीं है। ये तो दोनों मेल और फीमेल की बात अपन करते हैं। अगर केवल मेल की बात करते हैं तो 8+9 फीमेल में 8+9 सेगमेंट जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिक्स होकर बना लेते हैं ओविपोस्चर। एट प्लस नाइन सेगमेंट मिलकर बनाते हैं ओविपोस्चर। ये ओविपोस्चर क्या करता है, ये एक पाउच जो होता है, एक पाउच आगे बढ़ेंगे अपन इसके बारे में, एक पाउच जो होता है उस एक पाउच को सोइल में छोड़ने के काम आता है ओविपोस्चर। मतलब किसी जो अपन बात करें सैंडी सोइल जो होती है, उस सैंडी सोइल में अपनी ये जो पूंछ वाला जो पोर्शन होता है एब्डोमेन का पोर्शन, ये इसमें मिट्टी में एंटर करवा देता है। एंटर करवाने के बाद में इस ओविपोस्चर वाला जो पोर्शन होता है 8+9 सेगमेंट से, इसी से इसका जो एग पाउच, उस एग पाउच में लगभग 40 तक अंडे होते हैं, उस एग पाउच को सोइल के अंदर छोड़ा जाता है। क्लियर है, ये 8 और 9 सेगमेंट का पोर्शन होता है। फिर हम बात करते हैं कि एब्डोमेन पोर्शन जो होता है उस पर और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो क्या पाई जाती है। तो और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पाए जाते हैं स्पाइरल। स्पाइरल नाम हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अंदर, जब अपने कॉकरोच पढ़ा तो कॉकरोच में अपन ये स्पाइरल कई बार पढ़ा। स्पाइरल जो होता है वो है क्या, वास्तव में ये रेस्पिरेटरी पोर के रूप में काम करता है। रेस्पिरेटरी पोर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके पोर्स होते हैं। स्पाइरल जो होते हैं इसकी अगर नंबरिंग की बात करते हैं तो कितने होते हैं, तो ये 10 पेयर होते हैं। ये 10 पेयर होते हैं। ये 10 पेयर कैसे कैसे होते हैं तो अगर अपन बात करें तो 2 होते हैं थोरेक्स में और 8 होते हैं इसके अंदर एब्डोमेन पोर्शन में। तो एब्डोमेन की बात हम करते हैं तो एब्डोमेन में स्पाइरल जो होते हैं वो 8 होते हैं, जबकि थोरेक्स पोर्शन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर स्पाइरल जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो 2+8=10 पेयर जो होते हैं वो स्पाइरल के एब्डोमेन पोर्शन में होते हैं। इसमें लास्ट सेगमेंट की बात हम करते हैं, जो ये सेगमेंट जो होता है ये फीमेल में होता है, ये ओविपोस्चर के रूप में काम करता है और इसका जो एक पाउच जो होता है वो एंटर करवाने के काम करता है सोइल के अंदर, सैंडी सोइल के अंदर एंटर करवाता है। ये है, तो ये जो है ये अपने इसके अंदर आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर एब्डोमेन पोर्शन में एक चीज और पढ़े अपन, अगर पर सेगमेंट की बात करते हैं तो पर सेगमेंट में जो इसके डोर्सल पोर्शन में जो प्लेट पाई जाती है, जैसे अपन बात करी कि ये अपन ने एक सेगमेंट में प्लेटें ले ली अपन, ये चार प्लेटें होती हैं, तो एक तो डोर्सल पे हो गई, एक वेंट्रल पे हो गई और 2 लैटरल पोर्शन पे हो गई। ये वाली जो प्लेट होती है डोर्सल प्लेट, इसको कहा जाता है टर्गम, इसको कहा जाता है टर्गम। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर लैटरल प्लेट की, ये जो लैटरल प्लेटें होती है तो इसको कहा जाता है प्लूरा, इसको कहा जाता है प्लूरा या अपन कह सकते हैं इसको प्लूरोम। और फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ये इसकी वेंट्रल प्लेट होती है, इस प्लेट का नाम होता है स्टर्नम, इस प्लेट को कहा जाता है स्टर्नम। तो इस तरीके से इसके अंदर ये चार प्लेटें पाई जाती है और ये चार प्लेटें जो है वो इसके अंदर एक आउटर स्केलेटन के रूप में काम कर जाती है। क्लियर है, डोर्सल प्लेट टर्गम, वेंट्रल प्लेट स्टर्नम और लेटरल 2 प्लेटें जो होती है प्लूरा या प्लूरोन कह सकते हैं अपन। क्लियर है, तो ये प्लेटें होती है। ये प्लेटें जो होती है वो अगली दूसरी प्लेट जो होती है उसके द्वारा किससे जुड़ी होती है, तो यहाँ पर एक आर्थोडियल मेम्ब्रेन होती है,
आर्थ्रोडियल, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो होती है इस मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में ये प्लेटें जो होती है ये प्लेटें आपस में जुड़ी हुई रहती है। इस तरीके से अपन इसके आउटर स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में पढ़ा। अब दो टॉपिक और बचे इसके अंदर, एक माउथ पार्ट का पोर्शन है, ये माउथ पार्ट अपने पास एक अलग से कौन दे रखा है, और एक इसके अंदर दे रखी है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, ये दो पोर्शन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं अपन वो लेते हैं ग्रासहॉपर के माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स की थोड़ी बहुत चर्चा भी अपन ने डायग्राम पे पढ़ा, उस डायग्राम में अपन कर चुके हैं। माउथ पार्ट्स होते हैं वो माउथ पार्ट्स कैसे टाइप के होते हैं, तो अपन ने कहा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, मतलब काटने और चबाने वाले, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप क्लियर है। फिर अगर इसके माउथ की बात करते हैं, इसका जो माउथ मतलब माउथ पार्ट्स है तो माउथ है, इस माउथ की बात करते हैं तो इसका जो माउथ होता है वो माउथ जैसे अपन ने ये हेड वाला जो पोर्शन पढ़ा, तो इस हेड वाले पोर्शन पे वेंट्रल तरफ होते हैं, वेंट्रल की तरफ होते हैं, तो ये ऐसा माउथ जो होता है इसको कहा जाता है हाइपोग्लोथस, हाइपोग्लोथस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ये दोनों जो है वो सोर्स क्वेश्चन जो है उनमें बन जाते हैं, मतलब टाइप कैसा है तो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के, और माउथ की बात करते हैं तो कैसा है तो हाइपोग्लोथस का है, मतलब सीधा सा आपने कहा कि वेंट्रल की ओर झुका हुआ माउथ होता है। अब ये माउथ पार्ट्स की अपन कहें तो माउथ पार्ट जो होते हैं इसके पार्ट पढ़ते हैं, ये पहला पार्ट है इसके अंदर लेब्रम, तो इसको अपन अपर लिप कहते हैं, ये लेब्रम जो होता है इसका ये इसका अपर लिप होता है, ये अपर लिप होता है, बाकी के माउथ पार्ट जो होते हैं उसके सबसे ऊपर की ओर कवर किए हुए होते हैं। फिर अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर मैंडिबल, ये जो मैंडिबल होते हैं इसके अंदर काइटिन के टीथ होते हैं, ये काइटिन के टीथ होते हैं, अंदर की ओर काइटिन के टीथ बने हुए होते हैं, और इन्हीं का काम होता है बाइटिंग का और च्यूइंग का, बाइटिंग और च्यूइंग का काम जो होता है वो इसी मैंडिबल्स का होता है, ये जो काइटिन के टीथ होते हैं इसी के द्वारा ये फूड जो होता है कोई भी फूड जैसे क्रॉप की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, तो उसको काटना और चबाना बाइटिंग और च्यूइंग का काम इन्हीं का होता है। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं, ये सेकंड पोर्शन हो गया, थर्ड अपन बात करते हैं इसके अंदर मैक्सिला, मैक्सिला जो होता है ये एक अपेंडिसेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक लेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट और बने हुए होते हैं, जैसे अगर अपन इसके बात करें कि बेस पार्ट कौन सा है, बेस पार्ट जो कि जुड़ा हुआ होगा साथ में, तो उसको अपन कहेंगे कोल्डा, इसको अपन कहेंगे कोल्डा, कोल्डा के ऊपर जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है स्टाइपीज, स्टाइपीज के ऊपर दो पार्ट पाए जाते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेसिनिया और एक होता है गेलिया, एक होता है लेसिनिया एक होता है गेलिया, और ये जो स्टाइपीज होता है इस स्टाइपीज से बाहर की ओर, बाहर की ओर लेग लाइक स्ट्रक्चर जो भी होती है, ये लेग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है इसके अंदर मैक्सिलरी पैल्प, ये है ये स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर मैक्सिलरी पैल्प। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर फोर्थ टाइप की, फोर्थ टाइप जो होता है ये होता है इसके अंदर लेबियम। देखो मैक्सिला की बात करते हैं तो मैक्सिला कैसे फंक्शन करता है, तो एज ए लेग क्या करता है, जब भोजन कोई पकड़ना होता है तो वो भोजन पकड़ने का काम जो होता है वो उस मैक्सिला का होता है, तो पैर की जैसे हाथों के जैसे काम करता है, तो ये अपेंडिसेस लाइक स्ट्रक्चर होती है मैक्सिला, ये मैक्सिलरी पैल्प जो होते हैं इस मैक्सिलरी पैल्प के द्वारा उस फूड को पकड़ा जाता है, और फिर ये जो मैंडिबल्स होते हैं उन मैंडिबल्स के द्वारा उसकी बाइटिंग और च्यूइंग की जाती है। चौथा जो प्रकार है वो आता है इसका लेबियम, ये जो लेबियम होता है ये लेबियम इसका इनर लिप होता है, ठीक है इनर लिप होता है, ये इनर लिप जो है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है प्रीमेंटम, एक होता है मेंटम और एक होता है सबमेंटम, और जो प्रीमेंटम वाला जो हिस्सा होता है इस प्रीमेंटम वाले सबसे एक पोर्शन और लगा हुआ होता है, वो भी अपेंडिक्स लाइक ही होता है, फूड को कैच करने का काम करता है, इसको कहा जाता है लेबियल पैल्प। फिर हम बात करते हैं इसका पांचवा पोर्शन, ये है इसका पांचवा पोर्शन, ये जो पांचवा पार्ट होता है ये होता है इसका हाइपोफेरिक्स, तो मतलब सीधा सा हम कहेंगे ये इसकी टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो पांच है ये पांच पार्ट जो होते हैं इसको अपन माउथ पार्ट्स कहते हैं। अगर टोटल पार्ट की बात हम करें तो एक हो गया लेबियम, दो हो गए मैंडिबल, तीन दो हो गए मैक्सिला, पांच एक हो गया लेबियम, छह और एक हो गया हाइपोफेरिक्स, मतलब टोटल पांच टाइप्स हैं, और टोटल की बात हम करते हैं तो सेवन माउथ पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं।
क्लियर है, ये माउथ पार्ट का पोर्शन हुआ। वापस बता रहा हूं, अपर लिप जो होता है वो लेब्रम, फिर बाइटिंग और च्युइंग का काम करने वाले जो माउथ पार्ट होते हैं वो मैंडिबल, फूड को कैच करने का मतलब पकड़ने का काम और लेके जाने का काम जो होता है वो होता है मैक्सिला का। फिर इसके बाद में इनर लिप की बात करते हैं तो वो इनर लिप हो गया इसके अंदर लेबियम, और इसकी टंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है इसके अंदर हाइपोफैरिंक्स। तो ये इसके माउथ पार्ट का पार्ट। अब बात करते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल, जो ग्रास ऊपर है उस ग्रास ऊपर की लाइफ साइकिल कैसे होती है। लाइफ साइकिल की बात हम करते हैं तो लाइफ साइकिल जो है इसके अंदर तीन स्टेज पाई जाती है, कौन कौन सी, तो एग होती है, निम्फ होती है और एडल्ट होती है। मतलब सीधा सा अपन ये कहा कि इसमें लार्वल स्टेज जो होती है वो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। लार्वल स्टेज नहीं होती है तो इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है वो कैसी होती है, तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है इनकम्प्लीट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा क्वेश्चन बनता है इसका, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है, पर इसके अंदर एक मिड स्टेज जरूर आती है जो निम्फ स्टेज कहलाती है, और ये जो निम्फ स्टेज होती है वो एडल्ट से थोड़ी सी लेस डेवलप होती है। वो लेस डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये जो निम्फ बनता है इसके अंदर, ये जो निम्फ बनता है इस निम्फ में एक तो विंग्स नहीं होते और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, बाकी सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो एडल्ट के समान होते हैं। मतलब ये लार्वा भी नहीं है और सीधा साहब ने कहा कि ये कंप्लीट डेवलप एडल्ट भी नहीं है, तो ये डेवलपमेंट जो होता है ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इसी को हैवी मेटाबोलस और इसी का पेरी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अब देखो स्टेज की बात हम करते हैं तो ये तीन स्टेज है, पहली बात हम करते हैं एग स्टेज की। एग स्टेज की जब हम चर्चा करते हैं तो अपन ने कहा कि ग्रास ऊपर जो है इस ग्रास ऊपर में अक्टूबर सितंबर अक्टूबर जो है सितंबर अक्टूबर के लगभग इसके अंदर रिप्रोडक्टिव टाइम होता है। दो एडल्ट ग्रास ऊपर मेल और फीमेल जो है उसके अंदर कॉपुलेशन की प्रोसेस पाई जाती है। कॉपुलेशन में जब मेल अपना स्पर्म छोड़ता है और स्पर्म छोड़ने के बाद में मतलब रिप्रोडक्शन के बाद में कॉपुलेशन के बाद में मेल जो है वो मर जाता है, मेल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद में जो फीमेल होती है उस फीमेल के ओविपोस्टल पोर्शन, अपन ने डायग्राम में बताया था मैंने कि 8+9 सेगमेंट जो होते हैं वो ओविपोस्टल बनाते हैं, तो ये जैसे ये ग्रोथ ओवर है तो ये अपने एब्डोमन जो पोर्शन है इस एब्डोमन पोर्शन को सोइल के अंदर एंटर करवाता है, फिर अपने पैरों से चारों तरफ यहाँ पर घूमता है। घूमने से क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, इस मिट्टी में एक गड्ढा बन जाता है, एक होल बन जाता है। ये होल जो है इस होल के अंदर इसके एग, और एग किस में होते हैं, एग पाउच में होते हैं, एग जो होते हैं वो एग पाउच में होते हैं, तो इसके जर्मिनल जर्मिनल पोल जो है जर्मिनल पोल से ये एग पाउच उस सोइल के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये जो एग पाउच है इसमें क्या होते हैं, तो लगभग 40 एग जो होते हैं वो लगभग 40 एग इसके अंदर होते हैं, लगभग 40 एग एग पाउच में होते हैं। फिर इसके बाद में एग लेइंग के बाद में जो फीमेल होती है वो भी मर जाती है, एग लेइंग के बाद में फीमेल भी मर जाती है। फिर ये जो एग लेइंग किया तो उसी समय क्या होता है, उसी समय जो जर्मिनल पैपिला जर्मिनल पोर जो होता है इस जर्मिनल पोर से एक फोम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, फोम लाइक लिक्विड जो होता है वो बनता है, और ये जो एग पाउच है उस एग पाउच के ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में फीमेल मर जाती है, और अब ये जो एग है ये एग उसी सोइल में लगभग 9-10 मंथ तक पड़े हुए रहते हैं, 9-10 मंथ तक पड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद में 9-10 मंथ बाद में इसके अंदर फर्स्ट स्टेज आती है, निम्फ फर्स्ट की अपन कह सकते हैं इसको, निम्फ फर्स्ट जो होता है इस निम्फ फर्स्ट के बाद, इस निम्फ फर्स्ट के बाद में इसके अंदर आ जाती है मोल्टिंग की प्रोसेस। मोल्टिंग का क्या मतलब होता है, मोल्टिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि उसकी जो पुरानी स्किन जो होती है उस पुरानी स्किन को उतारा जाता है और उसके जगह पे नई स्किन आ जाती है, पुरानी स्किन को उतार के नई स्किन आ जाती है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, कितनी बार होती है, तो लगभग 5-6 बार, 5-6 टाइम मोल्टिंग पाया जाता है। मतलब ये निम्फ कितने आएंगे, लगभग 5 निम्फ जो है वो इस एडल्ट और फर्स्ट निम्फ, ये एग और एडल्ट के बीच में लगभग 5 टाइप के निम्फ जो है वो आएंगे। ये निम्फ फर्स्ट आए तो यहाँ पर अभी इसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग तो निम्फ सेकेंड बन गया, निम्फ सेकेंड के बाद में अब यहाँ पर सेकेंड मोल्टिंग के बाद में निम्फ थर्ड बन गया, निम्फ थर्ड में यहाँ पे थर्ड मोल्टिंग हुई, थर्ड मोल्टिंग में यहाँ पे फोर्थ निम्फ बन गया, इसी तरीके से फिफ्थ मोल्टिंग ऐसे करके यहाँ पर एडल्ट
डेवलप होता है। एडल्ट डेवलप जब हुआ, एडल्ट डेवलप हुआ तो ये एडल्ट बनने के 7 to 10 days में फिर से एक लेइंग चालू कर देता है। तो अपन ने ये कहा कि एक ईयर में इसकी जो जनरेशन होती है तो वो केवल एक होती है। रीजन इसका ये हुआ कि ये एडल्ट जो होता है ये एडल्ट एक लेइंग के बाद में मर जाते हैं। मेल जो होता है वो तो कब मर जाता है? वो तो मर जाता है कब? रिप्रोडक्शन के टाइम पे, पॉपुलेशन के टाइम पे। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर फीमेल की, तो फीमेल जो है वो फीमेल को मर जाती है तो एक लेइंग के तुरंत बाद में वो फीमेल मर जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये केवल एक जनरेशन इसके अंदर पाई जाती है, ये इसका लाइफ साइकिल का पोर्शन होगा। क्लियर है? अब इसके अंदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ही इजी सा पोर्शन है। अपने हिसाब से जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है वो तो हार्मफुल होता है अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है, पर कहे बहुत सारे जगह ऐसी है जहां पर ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रूप में ये अच्छा भी होता है। कैसे? तो देखो, इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। इकोसिस्टम के लिए अच्छा कैसे है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, प्लांट्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है तो ये उसको खाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को खाता है। तो ये माना जाता है कि लगभग 10% जो एक्स्ट्रा ग्रोथ प्लांट्स की है तो उसको इसके द्वारा ही खत्म किया जाता है, जिससे वो अदर प्लांट जो होती है उसको ग्रोथ करने का टाइम भी मिल जाता है, उसको लाइट मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं कि ये बहुत सारे प्रीडेटर्स जो होते हैं, जैसे अगर बात करें कि लिजार्ड है, इसके अलावा फ्लूग है, इसके अलावा और बहुत सारी चिड़िया होती है, स्पैरोज होती है, ठीक है, जैसे मैना की बात हम करते हैं, तो ये जो है उनके लिए फूड के रूप में होता है, तो वो इनके लिए प्रीडेटर्स होते हैं तो उनके लिए ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो मर गया, मरने के बाद में इसकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी का डिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन बहुत अच्छे से होता है। इसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो एक्सपायरी मटेरियल होते हैं, उसका डिग्रेडेशन जो होता है वो बायोडिग्रेडेशन बहुत अच्छा होता है, और इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा भी अच्छी होती है जो कि भूमि में फर्टिलाइजर के रूप में काम करती है। फिर अगर बात करते हैं इनके अलावा और क्या है, तो इनके अलावा बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहां पर इसको फूड के रूप में काम मिल जाता है। तो एक जगह है जहां पर बात कर सकते हैं, दक्षिणी मैक्सिको। दक्षिणी मैक्सिको में एक चापुलाइन पार्ट है, वहां पर इसका एक बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भोजन बनाया जाता है, नाम होता है इसका टॉर्टिलस। ये टॉर्टिलस जो होता है वो सॉस के साथ में और चिली के साथ में इसको खाया जाता है। इसके अलावा चीन की बात करते हैं तो चीन में इसको बॉइल करके, ऑयल में बॉइल करके इसको एक फूड के रूप में काम में किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर जो है ग्रासहॉपर का ये कंप्लीट है।